विसर्जन और ईद मिलाद के पावन पर्व की खुशियों पर दिग्रस नगर पालिका प्रशासन मानो अपनी निर्लज्जता का पानी फेरने पर तुला है, क्योंकि इन दो बड़े त्योहारों के मद्देनजर दिग्रस शहर पर नजर डाले तो यहां की गली मोहल्लों और चौक चौराह गड्ढों के चाल और कचरे के अंबार से भरे पड़े नजर आ रहे हैं। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्रस शहर के नगर पालिका की गत इन दिनों शर्तिया इलाज के नाम पर चूरन बेचने वाले झोला छाप डॉक्टरों सी हो रखी है, क्योंकि जिस तरह से झोला छाप डॉक्टर बीमारियों को भगाने के नाम पर बनावटी वादों का चूरन थमाकर भोले भाले लोगों को लूटने का काम करते हैं, ठीक उसी तरह से दिग्रस शहर का पालिका प्रशासन नागरिक सुविधाओं की पूर्तता के नाम पर जनता को ठगने का काम कर रहा है। ये कोई आरोप नहीं बल्कि लोकल रियलिटी है। आने वाले शुक्रवार को जहां ईद मिलाद का पर्व धूमधाम से शहर में मनाया जाएगा, वहीं 28 सितंबर को गणेश विसर्जन की भी धूम शहर में रहेगी। बावजूद इसके शहर के लगभग हर गली और मोहल्लों सहित शहर के प्रमुख चौक चौराहे कचरे के ढेर और गड्ढों के जाल से भरे पड़े हैं। आए दिनों हो रही तेज बारिश से शहर के उबड़ खाबड़ रास्तों के गड्ढे में पानी और सड़कों के किनारों पर फैला कचरा दिग्रस नगर पालिका प्रशासन की भद्दी निठल्ली कामचोर कार्य प्रणाली को उजागर कर रहा है। बैनरों और पोस्टरों पर शहर की दीवारों पर स्वच्छ दिग्रस सुंदर दिग्रस का दम भरने वाली पालिका की कथनी और करनी का अंतर ठीक जमीन और आसमान जैसा हो चुका है। कहने को पालिका के पास कचरा ढोने के लिए 16 गाड़ियां और 2 ट्रैक्टर है, लेकिन इनमें से मात्र 4 से 5 गाड़ियां अनियमित रूप से इस्तेमाल में लाई जा रही है। कचरा उठाने में रोजाना की लेट लतीफी से घरों और दुकानों के सामने रखा हुआ कचरा सड़कर बदबू फैला रहा है। हजार बार शिकायतें लगाने के बाद भी कचरा प्रबंधन में शामिल स्वास्थ्य विभाग और कचरा ठेकेदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। एक तरफ जनता से टैक्स वसूलने में सख्ती बरतने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती, लेकिन कचरे की समस्या पर सवाल पूछने पर कभी कर्मचारियों की कमी का, बिगाड़पूर्ण कचरा वाहनों का, तो कभी ठेका चलाने की समय अवधि के तकनीकी कारणों को सामने रख हाथ खड़े करने से संबंधित विभाग बाज नहीं आ रहा। वो अपनी हठधर्मी पर अड़ा हुआ है। ऐसा लगता है मानो शहर से पालिका के कचरा प्रबंधन और शहर के रखरखाव की अर्थी और साफ सफाई का मानो जनाजा उठ चुका है। ये बड़े अफसोस की बात है। दिग्रस शहर में आने वाले दिनों में ईद मिलाद और गणेश विसर्जन का पर्व जो है बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला है। इस मौके पर हम अगर दिग्रस शहर का जायजा लें तो यहाँ पर जो कचरे की प्रबंधन है, कचरे का जो व्यवस्थापन है, उसकी हालत बहुत बुरी हो गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मोतीनगर का ये इलाका है, यहाँ पर रस्तों पर कचरा फैल चुका है और नगर पालिका प्रशासन को इसका कतई कुछ भी ध्यान नहीं है। हम आपको बता दें कि दिग्रस नगर पालिका के पास कचरे के प्रबंधन के लिए कहा जाता है कि 16 गाड़ियां हैं और 2 ट्रैक्टर हैं, लेकिन नागरिक इस वजह से भी त्रस्त है कि कोई भी गाड़ी उन्हें नियमित रूप से अपने मोहल्ले में आती नजर नहीं आती। एक तरह से कचरे के प्रबंधन को शायद नगर पालिका प्रशासन वो अपनी जिम्मेदारी है इस बात का उसे एहसास ही नहीं है। आने वाले दिनों में 2 बड़े त्यौहार मनाए जाने वाले हैं, इसको लेकर स्थानीय प्रशासन जो है जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दे, ऐसी मांग अब उठने लगी है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान।